आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 11,302 पहुंच गया है, वहीं 143 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 11,302, स्वस्थ 7,056, एक्टिव 4,103, मौतें 143। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 2,272, नैनीताल 1,624, टिहरी गढ़वाल 670, हरिद्वार 2,678, उधम सिंह नगर 2,176, पौड़ी गढ़वाल 295, अल्मोड़ा 368, बागेश्वर 177, चमोली 155, पिथौरागढ़ 210, रुद्रप्रयाग 112, उत्तरकाशी 175, चंपावत 190। उत्तराखंड से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री के ओएसडी कोरोना पॉजिटिव, मंत्री की भी होगी जांच। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ओएसडी नरेंद्र सेमवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। सेमवाल को आइसोलेट कर दिया गया है। ओएसडी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मंत्री के दूसरे स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, मंत्री हरक सिंह रावत का भी कोरोना टेस्ट कराया जा सकता है। नियमानुसार संपर्क में सभी लोगों को कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए। ऐसे में कैबिनेट मंत्री के कार्यालय और उन सभी लोगों का पता लगाया जाएगा जो हाल के दिनों में कैबिनेट मंत्री के ओएसडी के संपर्क में आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरक सिंह के ओएसडी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आधिकारिक पुष्टि होने अभी बाकी है। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दो राज्य मार्ग सहित 19 रास्ते बंद। जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण दो राज्य मार्ग सहित 19 रास्ते बंद है। इसके अलावा नदियां और रपटों में पानी उफान पर है। 3 दिनों में लगभग 150 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है, लिहाजा नदियों के किनारे रह रहे लोग खौफजदा हैं। उत्तराखंड के एकमात्र दरोगा कमलेश भट्ट को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री पुरस्कार। ब्लाइंड केस का किया था खुलासा। नानकमत्ता थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट को केंद्रीय गृह मंत्री सम्मान से नवाजा जाने वाला है, जिससे उधम सिंह नगर जिले की पुलिस में खुशी की लहर है। कमलेश भट्ट को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 अगस्त को दिल्ली में सम्मानित करेंगे। वहीं नैनीताल में मछली खाने के शौकीन है तो पड़े ये खबर, नहीं तो गवा सकते हैं जान। अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं और नैनीताल जिले में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। मछली बेचने वाले अपने ग्राहकों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल तराई के इलाकों में कूड़ा गाड़ी में मछलियां लाई जा रही हैं। इन मछलियों को खाकर आप कभी भी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ऐसे परवान चढ़ा प्यार, फिर जो हुआ पुलिस भी हैरान। हल्द्वानी गोलापार की रहने वाली नाबालिग लड़की और मध्य प्रदेश के रहने वाले एक नाबालिग लड़के से इंस्टाग्राम पर कुछ महीनों से चैटिंग चल रही थी। इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता गया, जिसके बाद दोनों ने घर से भागने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, प्रेमिका को लेने नाबालिग प्रेमी हल्द्वानी पहुंच गया। बताया जा रहा है कि काट गोदाम थाना क्षेत्र के गोलापार की रहने वाली नाबालिग लड़की और मध्य प्रदेश के रहने वाले नाबालिग लड़के के बीच इंस्टाग्राम पर बीते कुछ महीनों से चैटिंग चल रही थी। इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता गया, इसके बाद लड़का 10 अगस्त को सीधे काठ गोदाम पहुंचा और प्रेमिका को घर से बुलाकर उसे लेकर फरार हो गया। नाबालिग प्रेमी जोड़ा गाजियाबाद पहुंचा। गाजियाबाद में बस का इंतजार करते हुए पुलिस ने शक के आधार पर उनसे पूछताछ की तो पूरा मामला उजागर हुआ। इसके बाद काठ गोदाम पुलिस और प्रेमिका के परिवार वाले दोनों को गाजियाबाद से काठ गोदाम ले गए। दोनों के नाबालिग होने के चलते पुलिस ने दोनों को परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में किसी तरह का मामला दर्ज नहीं किया है। रिस्पना नदी में स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर निकाल रहे बजरी, प्रशासन बेखबर। प्रदेश भर में भारी बारिश के चलते नदी और गदेरे अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून स्थित सुमन नगर से गुजरने वाली रिस्पना नदी में स्थानीय लोग धड़ल्ले से अवैध खनन कर बजरी निकालकर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे भी इस काम में लगे हुए हैं। वहीं देहरादून में भारी बारिश ने बढ़ाई आफत, नदी के उफान से दहशत में लोग। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी जिलों तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून शहर के बीच से होकर बहने वाली रिस्पना नदी उफान पर है। रिस्पना नदी पर मौजूद एक रेलवे ब्रिज को पहले ही नुकसान हो चुका है। वहीं नदी के दोनों ओर बसी बस्तियों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दो राज्य मार्ग सहित 19 रास्ते बंद। नैनीताल जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिससे दो राज्य मार्ग सहित 19 रास्ते बंद हो गए हैं। एमएटी जेईई 2020 परीक्षा रद्द, चयन प्रक्रिया वीडियो साक्षात्कार के आधार पर।
एमईटी यूनिवर्सिटी ने एमईटी जेईई 2020 प्रवेश परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है और इसके बजाय एक वैकल्पिक प्रवेश चयन की प्रक्रिया को अपनाने का फैसला किया है। जो वीडियो साक्षात्कार पर आधारित होगी, वह अभ्यर्थी जो विभिन्न यूजी और पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश चाह रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा वीडियो साक्षात्कार के जरिए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर छात्रों का चयन किया जाएगा। प्रदेश भेजने के नाम पर ठगी, दंपत्ति ने कराया ट्रैवल एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रैवल एजेंट द्वारा विदेश घूमने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पर्सनल द्वीप पर घूमने जाने के लिए दंपत्ति द्वारा ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कराया था। ट्रैवल एजेंट ने खुद ही टिकट कैंसिल करा दिया। दंपत्ति द्वारा जब टिकट के रुपए वापस मांगे गए तो ट्रैवल एजेंट ने रुपए देने से मना किया, जिसके बाद दंपत्ति ने परेशान होकर ट्रैवल एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा थाना प्रेमनगर में दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस पर लगा छात्र नेता का उत्पीड़न का आरोप, केस दर्ज होने पर छात्रों ने फूंका पुतला। पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए छात्रों ने पुतला फूंक कर अपने गुस्से का इजहार किया। छात्रों का कहना है कि पुलिस छात्र नेता दीपक लोहिया को गलत तरीके से फंसा रही है। साथ ही छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस की कार्यशैली में सुधार नहीं आया तो उग्र आंदोलन को विवश होंगे। नाबालिग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। मल्लीताल सदर लाइन क्षेत्र में नाबालिग युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आनन फानन में परिजन नाबालिग को बीड़ी पांडे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। पासपोर्ट बनाने वालों को मिली ये सुविधा, अब नहीं आना होगा ऑफिस। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विदेश मंत्रालय लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी के तहत पासपोर्ट कार्यालय से मिलने वाले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अब सीधे आवेदक के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा। उत्तराखंड क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने यह नियम लागू कर दिया है। उत्तराखंड वेदर। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पांचवें दिन भी बंद, बद्रीनाथ NH मलबा आने से अवरुद्ध। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे विधान विद्याधाम में पांचवें दिन भी बंद है। यहां पर लगातार भू धसाओं के कारण सुधारीकरण कार्य में भी दिक्कत हो रही है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक आसमान में घने बादल छाए हैं, बारिश के आसार हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड कुंड उखीमठ चौपता कोपेश्वर में भी अवरुद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भड़के, आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर धार्मिक और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भड़क गए। लोगों की शिकायत करने पर बन भूलपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। हिंदू जागरण मंच के महामंत्री सुचित पांडे ने पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने स्क्रीनशॉट को देखने पर के बाद फेसबुक अकाउंट चेक किया। इसके बाद धारा 295A के तहत लाइन नंबर 8 निवासी सजाद खान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कार्यकर्ताओं का दबाव पर पुलिस ने आरोपी सजाद को घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। पता चला कि आरोपी ने PM के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। यमकेश्वर विधायक हेतु खंडोड़ी को मिला फेम इंडिया एशिया पोस्ट में स्थान। उत्तराखंड में यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडोड़ी भूषण को फेम इंडिया एशिया पोस्ट में स्थान मिला। मीडिया प्रभारी अलकेश कुकरेती ने बताया कि फेम इंडिया एशिया पोस्ट के लिए देश भर से 50 उम्दा विधायकों का सर्वे किया गया था, जिसमें विधायकों का चयन उनकी लोकप्रियता, कार्यशैली, प्रतिबद्धता, सामाजिक सरोकार, प्रभाव, जनता से जुड़ाव, जनहित के कार्य, छवि के साथ ही शून्यकाल, प्रस्तुत विधेयक, विधायक निधि के खर्च आदि के विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर किया गया था। देसी कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर, पहले ट्रायल में पूरी तरह पास और सेफ। भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से बनाई जा रही COVID-19 वैक्सीन के पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल में सफल रहा है। ट्रायल के शुरुआती नतीजों के बाद कहा गया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत बायोटेक और जॉयडस कैडिला की वैक्सीन का 6 शहरों में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। देश के 12 शहरों में 375 वॉलंटियर्स पर कोरोना वायरस वैक्सीन का टेस्ट किया गया। हर एक वॉलंटियर को वैक्सीन के 2 डोज दिए जा चुके हैं, अब उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। PGI रोहतक में चल रहे ट्रायल की टीम लीडर सविता वर्मा ने कहा कि वैक्सीन सुरक्षित है। उत्तराखंड कोरोना बिग ब्रेकिंग, 2 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। ऋषिकेश एम्स से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां, जानकारी मिली है कि ऋषिकेश एम्स में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। एम्स प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। एम्स प्रशासन के अनुसार ज्वालापुर हरिद्वार निवासी 80 वर्षीय एक बुजुर्ग को
अन्य बीमारी के कारण 8 अगस्त को यहां भर्ती कराया गया था। बुजुर्ग का सैंपल जांच करने के लिए लिया गया था, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं मरीज ने गुरुवार की देर रात दम तोड़ दिया। सहारनपुर निवासी 47 वर्षीय महिला को गुरुवार की सुबह यहां भर्ती कराया गया था। शुक्रवार की अगली सुबह इस महिला की भी मौत हो गई। एम्स की ओर से स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया। वहीं बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज में भी एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि हुई थी। सेना में जाने का सपना होगा पूरा, 12वीं पास इन युवाओं के लिए मौका। सेना में भर्ती होने का ख्वाब बुन रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेना में कई तरह के पदों पर भर्ती होगी। सेना में सीधे कमीशन के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम TES के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। 12वीं पास युवा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। भारतीय सेना में TES के तहत 90 पदों पर भर्ती निकाली गई। इसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। सभी पदों के लिए सभी श्रेणी के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए वही युवा आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं में मान्यता बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कम से कम 70% अंक हासिल किए हों। आवेदक की न्यूनतम उम्र 16 साल 6 महीने होनी चाहिए। अधिकतम आयु 19 साल 6 महीने होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। TES कोर्स के लिए आवेदन करने को सबसे पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर लॉगिन करें। यहां ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।